मुरादाबाद में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वाधान में आज शौर्य यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान बुद्ध बाजार से यह शौर्य यात्रा का शुभारंभ किया गया, जो ताड़ी खाना गुरहट्टी टाउन हॉल से होकर वापस बुद्ध बाजार पर संपन्न हुई। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की इस शौर्य यात्रा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री विनायक राव पहुँचे और उन्होंने इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गीता जयंती के दिन 6 दिसंबर 1992 से ही बाबरी ढांचा ध्वस्त हुआ था, उसी दिन से गीता जयंती को शौर्य दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद से पिछले 30 सालों से गीता जयंती को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद, हम सब जानते हैं कि गीता जयंती के दिन 1992 को, जिस समय अंग्रेजी तिथि 6 दिसंबर को थी, बाबरी ढांचा ध्वस्त हो गया। उसी दिन से गीता जयंती को हमने शौर्य दिवस इस नाते से मनाने का निर्णय किया और गत 30 साल से हम गीता जयंती का दिन शौर्य दिवस इस नाते से मनाते हैं, क्योंकि हिंदुओं ने पहली बार सैकड़ों सालों के बाद यात्रा शुरू होने से पहले अपने प्राण एसर्ट्यू बनकर यात्रा के संबंधित अन्याय और अपमान के और आक्रमण के विरोध में एक कदम, कड़ा कदम उठाया। उसके कारण हम शौर्य दिवस इस नाते से यह कार्यक्रम मनाते हैं।